हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मीशो से एक लहंगा मैंने ख़रीदा था उसका ही रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। एंड दिस लहंगा इज़ वेरी अफोर्डेबल, जस्ट अंडर 500 रुपीज़ आपको ये लहंगा मिल जाएगा। ये एक शॉर्ट एंड सिंपल टू द पॉइंट रिव्यू है, नॉन स्पॉन्सर्ड है। मैंने खुद से इस लहंगे को परचेज किया है, मीशो से मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो। इस तरीके के नॉर्मल पैकेट में आया था, कुछ जिप लॉक बैग वगैरह नहीं था, विच इज आई थिंक गुड, क्योंकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लहंगा में आपको कोई भी दुपट्टा रिसीव नहीं होगा। ये एक टू पीस लहंगा है जिसमें फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द ब्लाउज। ब्लाउज ब्लू कलर में है और ऊपर गोल्डन, ब्लू के ऊपर गोल्डन जरी डिटेलिंग की गई है। एंड ब्लाउज की जो कट है वो स्लीवलेस पैटर्न में है, बट इसमें एक्स्ट्रा स्लीव के लिए कपड़ा दी गई है जिसमें कोई एम्ब्रॉयडरी या कोई जरी का काम नहीं किया गया है। सो ये जो कपड़े की क्वालिटी है वो अच्छा ही मुझे लगा। इट इज़ काइंड ऑफ एक सिल्क एंड कॉटन मिक्स्ड मटेरियल है, एंड ये जो जरी की जो वर्क है ये अच्छा है। इसमें कोई सीक्वेंस या फिर ग्लिटर या मोती का कुछ भी काम नहीं है, सिंपल बेसिक जरी डिटेलिंग है। तो अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज इसमें बनाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, बिकॉज इसका जो शेप है वो स्लीवलेस ब्लाउज के लिए ही है। एंड ये जो लहंगा है ये पूरा मैंने येलो कलर में मंगाया था, बट इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें घेर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आपकी वेस्ट 26 है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, बट अगर आपकी 32-34 वेस्ट है या फिर उससे ज़्यादा है तो आपके लिए ज़्यादा घेर नहीं होगा। बट इसमें जो फ्रिल्स है ना उसकी वजह से बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आपको 5 लेयर्स मिल जाएंगे, इस तरीके के 5 फ्रिल्स वाले लेयर्स मिल जाएंगे, विच इज़ सो प्रिटी। एंड ये पूरा नेट का फैब्रिक है, ये पूरा नेट का फैब्रिक है एज यू ऑल कैन सी ओवर हियर, और थोड़ा सा शाइनी मटेरियल है, सो दैट इज़ वेरी गुड। डल मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, बट जो मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट है वो है कि इसके अंदर आपको कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं अलग से रिसीव होगी। बस एक कॉटन का कपड़ा है जिसके ऊपर वो नेट फैब्रिक से ये फ्रिल्स चिपकाए गए हैं, बट कोई भी इसके अंदर लाइनिंग, और ये जो कॉटन का कपड़ा है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू है एंड पतला कपड़ा है। लाइनिंग आपको लगवानी पड़ेगी या फिर आपको अलग से कुछ अंदर पहनना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स अ बिट सी थ्रू। ऑल्दो इसका जो कलर है वो येलो है तो इट्स अ लाइट कलर, अगर आप डार्क कलर में ऑर्डर करते हैं तो ये उतना ज्यादा सी थ्रू नहीं होगा। इसके अंदर कोई भी कैन नहीं है या फिर कोई एक्स्ट्रा लाइनिंग या कैनवस कुछ भी नहीं है, तो अगर आप ज्यादा घेर चाहते हैं तो आपको एक कैन स्कर्ट के ऊपर इसे पहनना पड़ेगा। अदरवाइज इसके अंदर जैसे कि फ्रिल्स है ना तो उसकी वजह से इसका लुक अच्छा आ रहा है, एकदम से चिपका या फ्लैट लुक नहीं है एज बिकॉज इसके अंदर ये फ्रिल्स वाले हैं। और ये सेमी स्टिच्ड है, आपको इसे स्टिच करवानी पड़ेगी साइड से, और ब्लाउज बिल्कुल अनस्टिच्ड है। यहाँ पर आप धागा डाल सकते हो, यहाँ पर वो स्लिट की गई है धागे डालने के लिए। सो ओवरऑल माय कंक्लूजन इज दैट अगर आप इसमें कोई भी डार्क कलर परचेज कर रहे हैं देन गो फॉर इट, अगर आप इसी लाइट कलर येलो कलर परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा से आपको एक लाइनिंग इसमें ऐड करनी पड़ेगी। उससे अच्छा कि आप 200 रुपये एक्स्ट्रा दे के कुछ और अच्छा सा एक लहंगा खरीद लो। मीशो में बहुत सारे वराइटीज और बहुत अच्छे खासे लहंगे अवेलेबल है, वो भी 700-800 रुपए के अंदर, तो आई थिंक दैट विल बी गुड। ये मैं अगर आप लाइट कलर में ले रहे हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, बट अगर आप डार्क कलर में ले रहे हैं देन गो, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज इसमें कैनवस कैन नहीं भी है, बट ये जो फ्रिल है ना उसकी वजह से एक प्रिंसेस सा लुक आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इस लहंगे को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। इसी तरीके का रिव्यू वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड नेक्स्ट आप कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर अगर आप मीशो हॉल देखना चाहते हैं तो कौन से प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट का कोड भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल परचेज दैट फॉर यू ऑल और मैं उसका रिव्यू शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।